देख रहे हैं हिसाब खेल का, मैं हूं लक्ष्मी। वर्ल्ड क्रिकेट के यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद क्रिकेट को टाटा बाय बाय कहने का मन बना लिया था, मगर सिचुएशन को देखते हुए गेल अब अपने फैसले से पीछे भी हट सकते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2019 को देखते हुए वेस्ट इंडीज ने अपने कई पुराने खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया, जिसके चलते लंबे अरसे के बाद क्रिस गेल की तूफानी वापसी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में गेल ने अभी तक खेले 4 मैचों में 2 शतक मारे हैं। इस तरह गेल की शानदार फॉर्म को देखते हुए आईसीसी ने एक ट्वीट किया, जिसमें गेल ने कहा कि 40 साल का होने के बावजूद अपनी फिटनेस पर अधिक काम कर रहा हूं और आगे कुछ भी हो सकता है, शायद मेरा संन्यास लेने का फैसला भी बदल जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि क्रिकेट के यूनिवर्सल बॉस इतनी जल्दी मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। इंडियन बॉक्सर दीपक सिंह ने माकरान कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्डन पंच मारा, जिसके चलते वो टीम में अकेले इंडियन बॉक्सर रहे जो गोल्ड लेकर वापस लौटे। ईरान के चाबहार में खेले जा रहे मकरान कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में दीपक ने गोल्ड मेडल जीता है। 3 बार के राष्ट्रीय चैंपियन दीपक टूर्नामेंट में जीतने वाले अकेले बॉक्सर रहे, जबकि 5 और बॉक्सर को फाइनल में हार के साथ सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। दीपक ने फाइनल में जाफर नसीरी को हराया। भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल 8 पदक हासिल किए, जिसमें 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। शादी करने के बाद भारत की ओलंपियन रेसलर साक्षी मलिक की रेसलिंग पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने दमदार वापसी करते हुए वर्ल्ड चैंपियन रेसलर को पटकनी दी है। बुल्गारिया के रूस में चल रही डेन कोलोव 2019 रेसलिंग मीट के 65 kg भार वर्ग में साक्षी मलिक ने विश्व चैंपियन फिनलैंड की पैत्रा ओली को हराया, जिसके चलते अब वो फाइनल में पहुँच गई है। मिली जानकारी के अनुसार साक्षी ने ओली को सेमीफाइनल में 4-1 से हराया। अब फाइनल में उनका सामना स्वीडन की हेना यूहानसन से होगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने साक्षी और ओली के बीच मैच का वीडियो भी शेयर किया। आई लीग में 10 प्लेयर्स के साथ खेलते हुए ईस्ट बंगाल ने रियल कश्मीर को 2-1 से हराया, जिसके चलते टूर्नामेंट में ईस्ट बंगाल की उम्मीद अभी जिंदा है, जबकि रियल कश्मीर का सपना अब टूट चुका है। मगर कोच डेविड रॉबर्टसन इस सीजन में टीम की परफॉर्मेंस से सैटिस्फाइड नजर आए। We had to be very good defensively, not to concede a lot of goals. And we're very fortunate as a new club that we didn't lose a game heavily. Sometimes new teams and new leagues might lose 4-0, 5-0, and it's very difficult to pick the pieces up after that. You know, we were criticised early on for not scoring goals, but at the same time we didn't concede many goals, which I think we grew in confidence. The whole season's been fantastic. You know, we never lost to Churchill, a famous team. We beat Mohunbagan at Salt Lake. We drew with East Bengal at Salt Lake. We beat Chennai, who will more likely be the champions. We beat them twice, the only team so far to beat them. It's been a memorable season. And I think what it does for us as a club is know that we can go and compete. You know, and a lot of things, you know, we've been a lot of hurdles. Obviously, the Minerva game didn't take place. And obviously, our home game today was in a different city. In a stadium, it was more like Salt Lake than TRC. But, you know, we never complained. We got on with it. The players have shown a fantastic attitude. And I think that's why we've been successful this season, just based the attitude, the togetherness of the team. And, you know, just it's a great group of boys. It's been a pleasure to work with them. और अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज के दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ 75 बॉल्स में 98 रन्स की शानदार पारी खेली थी, जिसके बाद सचिन ने कहा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच के कारण वो पिछले 12 दिन से नहीं सो पा रहे थे। आज ही के दिन 2011 वर्ल्ड कप में मलिंगा ने हैट्रिक ली थी। इस तरह 50 ओवर वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक अपने नाम करने वाले मलिंगा पहले बॉलर बने। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास जानकारी। देखते रहिए हिसाब खेल का। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।